भाई टाइगर चल रहा है आगे, फाइनली वुड्स चल रहे हैं। नहीं, वहीं बैठा है वो वाइल्ड बोर। वो निकले वाइल्ड बोर साइड से, और ये वाइल्ड बोर भी आ रहे हैं साइड से। अब मजा आएगा, उसने देखने लगा उधर के लिए। अब वो टाइगर उस साइड के लिए चला। अब आप कैमरा स्टार्ट करो। पीछे ले, आगे 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 आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आ रहा है। चलते रहो चलते रहो, आगे आगे भाग 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 के भाग। उसको पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, आगे लो आगे लो। हो जा एक मिनट एक मिनट। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D-Zone। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Wildlife D-Zone में। और आज हम आए फाइनली जंगल सफारी करने पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और लास्ट टाइम में जो हमने सफारी करी थी वो करी थी 14 जून, जो कि 15 जून को फिर सीज़न क्लोज हो गया था। और आज फाइनली 15 नवंबर को हम दोबारा से आए, तो सीज़न की फर्स्ट सफारी हम करते हैं। और देखते हैं, अभी थोड़ा सा ये बदलाव दिख रहा है और यहाँ पे एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व का छोटा सा प्रारूप बना रखा है, जो कि फंडेड बाई यूपी टूरिज्म है। और ये पार्किंग है, बाकी गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है, कुछ निकल भी गई है, थोड़ा सा हमने लेट भी हो गए थे, लेकिन अब फाइनली पहुँचते हैं। और इस बार है हमारे साथ रवि भाई। क्या हाल है? बढ़िया सर। तो रवि भाई हमारे गाइड रहेंगे, और इस बार पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म, वैसे भी हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, साथ में मेरी सिस्टर्स। हेलो, आर यू रेडी? यस। और हमारे ऑल टाइम खत्री जी, क्या हाल है खत्री जी? बहुत बढ़िया। और हमारे साथ साकिर, साकिर जी, साकिर जी, साकिर जी। तो साकिर जी के साथ हम चलेंगे। आओ आओ, आप भी आओ। और ये हमारे जीजा जी, आर यू रेडी? वेरी वेरी मच सो। चलो जी चलो। ओके, तो जी सफारी की शुरुआत। तो जी गणपति बप्पा मोरी। और बाकी ये एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का, मुस्तफाबाद वन विश्राम गृह। तो रवि भाई थोड़ा सा ओवरव्यू। इस टाइम जोन जो है डिवाइड कर दिया है। अच्छा। इस टाइम हम जो चल रहे हैं सेकंड जोन है। अच्छा। और जो वन है वो आपका मोहब रेंज है, उसमें ओनली फॉरेस्ट ही रहता है। उसमें आपको कोई पॉइंट जैसे नहीं मिलेंगे। इस साइड में क्या है, फॉरेस्ट भी है, पॉइंट भी है साथ में। ओके। बाकी वाइल्ड लाइफ का क्या है कि इस बार जो टाइगर की अकाउंटिंग हुई है उसमें 71 प्लस में हो रही है। 71 टाइगर प्लस। तो आगे काफी ज्यादा डियर की मूवमेंट दिख रही है। इस टाइम गाड़ियां भी यहां पर काफी बड़ी हैं। पहले गाड़ियां यहां पर 35 थी, अब की यहां पर 50 गाड़ियां हो गई। तो जी अब हम देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहता है। बाकी वी आर वेरी एक्साइटेड। और आप लोग एक्साइटेड हो? यस, वेरी बहुत एक्साइटेड। कैमरास तैयार कर ले। तो सबके कैमरा गियर्स रेडी हो रहे हैं। तो मैं भी सबसे पहले अपना गियर्स रेडी रखता हूँ। अपना गियर भी फाइनली रेडी है। तो ऑल सेट खत्री जी? ऑल सेट हो गया। तो खत्री जी का लुक भी एकदम डैशिंग है। खत्री जी एक बार। तो अभी रवि भाई से हमें ये भी पता चला है कि जो जमुनी में टाइगर देखा गया था, जिसने अभी मैंने आपको लेटेस्ट ब्लॉग में बताया भी था कि एक किसान भाई को मार दिया था, वो मेल टाइगर था जी। तो उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था सेम टाइगर है? हाँ, सेम टाइगर वही है। उसके जो पगमार्क मिले
तो उसको टेस्ट किया है तो वो सेम ही निकला मेल टाइगर का जी, क्योंकि उससे जो पहला जो हादसा हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि उससे काफ़ी दूरी नहीं थी, बाउंड्री पे ही था वो, लेकिन ये वाले जो घटना हुई थी तो किसी ने जस्ट मतलब सूचना मिल गई तो सभी लोग पहुंच गए, तो ये है कि वादी को वो खा नहीं पाया लेकिन उसने मार दिया था जब तक उसने पहली वाले में तो खा गया था, पहले वाले में खा गया था तो इसको भी वो खा सकता था मतलब, हाँ मतलब खा तो सकता ही था, बस ये है कि मतलब उसकी प्रवृत्ति खाने की भी है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि वो फॉरेस्ट जो है वो बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता, अंदर जो आता है तो वहाँ पे अटैक कर दे रहा हूँ, अंदर ही से उसकी मुंह में लग चुका है जी बिल्कुल, तो वही है थोड़ा उस एरिया में थोड़ा संभल के रहने की भी जरूरत है, खासकर जमुनिया के आसपास के इलाकों में लोगों से भी विनती है कि वो अभी घास फूस लेने ना जाए वहाँ की तरफ, क्योंकि इस टाइम क्या है अब ये ग्रास जो है ना बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, ग्रास होगी तो लोग क्या बोलते हैं झोपड़ी उपड़ी छाने के लिए ग्रास काटने के लिए जाते हैं, वैसे तो अबकी बार काफी सख्ती कर दी है कि कोई भी जैसे अंदर साइड ना जाए, बाकी तार फेंसिंग का भी बजट आ गया है, अच्छा तो तार फेंसिंग होगी बाउंड्री पे, जैसे कि कुछ जहाँ पे जहाँ तक जो हादसे हुए वहाँ पे लगाई जाएगी। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं कच्ची पटरी में, तो 14 जून को हमें यहाँ जबरदस्त टाइगर की साइटिंग हुई थी और यहाँ कैनाल, तो ये है कि नहर दोनों साइड से मतलब टाइगर आता है और कई बार बैठता भी है, पानी भी पीता है, और आगे क्या पता कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है भाई, क्या पता साइटिंग हो चुकी है या हो सकती है, देखते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ तो खड़ी है वहाँ पे। रीजन है एक ईगल है, तो यहाँ से तो दिख गया हमें और ये चेंजेबल, चेंजेबल है इसकी फोटो खींचते हैं हम, तो जो पानी है अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक मिरर है, जी अभी हम पहुंच गए हैं बाइफरकेशन पॉइंट में और यहां तक हम अक्सर अपनी गाड़ी में, आपने देखा होगा कि जो बैरियर के उस साइड है वहां तक हम अपनी गाड़ी से आते हैं और वहां इस साइड की तरफ हम देखते हैं कि कच्ची पटरी वाला एरिया है, तो लेकिन आज हम अंदर सफारी में हैं और ये पॉइंट पर मतलब टूरिस्ट भी आ सकता है, और बाकी अभी रवि भाई ये ओपन करेंगे, एक हरदोई ब्रांच, एक लखीमपुर ब्रांच और जो चुपा डैम पॉइंट है वो भी यहीं से बनने का है सारा, बड़ी यूपी चले जाता है। तो जी ये है पक्की पटरी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं साइपन पॉइंट की तरफ, तो यहाँ तक तो हम अक्सर आते थे, और क्या हाल है आज हम दिन में आ गए बढ़ाई रेंज में, हाँ बढ़ाई रेंज में, ये पेटीआर की सबसे बड़ी रेंज है जी, 183 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो मैक्सिमम टाइगर भी इसी रेंज में होंगे बराइच में जी। तो जी अभी हम आ गए हैं साइफन पॉइंट में और पानी का लेवल तो एकदम काफी सूखा हुआ है, इसमें छोड़ा ही नहीं है ना, छोड़ा ही नहीं है ना, हाँ नीचे वाली साइड में, तो ये है साइफन पॉइंट, नीचे वाली जो ब्रांच है ये आ रही है सुपर डैम से, अच्छा इससे पानी कम करने का रहता है, ये लखीमपुर ब्रांच वहीं से, तो इसमें दो कैनाल है, एक नीचे कैनाल है एक उसके ऊपर है, तो देखिए एक गाड़ी जा रही है सामने से भी, ये देखो पानी में तो टाइगर के पगमार्क देखे जा रहे हैं,
पानी का लेवल कम होगा ना, तो पानी पीने आया होगा पूरे रास्ते से ऐसे ना। आना जाना पूरा हर जगह ही है, पूरे पूरे टेले में। देखो वो गाड़ी आ रही है एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई बढ़िया करके। तो उद्घाटन का दिन है, पहला दिन। तो ये जो आवाज आ रही है ना, ये पाइड हॉर्नबिल की है। अब देखते हैं वो ओपन ओपन अच्छे बर्च में भाई। तो ये है वो पाइड हॉर्नबिल। तो ये देखिए ये रास्ता, ये बहुत पुराना है, ब्रिटिश काल का पुल है। और काफी डेंस एरिया ये। तो रवि भाई ये जो घर बने हुए हैं ये किसके होंगे? फॉरेस्ट सामने वाला? हाँ ये तो फॉरेस्ट वालों का है। अच्छा। ये चौकी टाइप की बना रखी है बैरियर खोलने के लिए। अच्छा, अच्छा। दो स्टाफ रहता है, वाचर। अच्छा वाचर रहते हैं जी जी। बाकी आपका ये जो चूका पॉइंट है काफी अच्छा खासा है। ये देखिए जो एक बिग साइज का, बिग साइज का टाइगर होता है ना, काफी बड़ा है, मतलब पूरा मेल टाइगर हो गए, बिग साइज, बिग डैडी टाइगर। गभिया नमनगरा सब बंगाली बस्ती है उस साइड में बसी हुई। तो चूका साइड जो दूसरी साइड है उसकी, चूका डैम की दूसरी साइड है। हाँ जी। अच्छा ये तो वही एरिया लग रहा है जहाँ, हाँ रात को जो पक्की रोड आती है एसएसबी कैंप आ जाएगा। ये सब दलदल होगा पूरा, वेटलैंड है, माइग्रेटरी बर्ड भी। बताओ जिधर पग मार्ग मिले मिले अभी जा मोल का तब भाई लिख रहा है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी वो भैया ने जो अपडेट दिया था उन्होंने बोला था कि जो टाइगर के आपने आगे पगमार्क देखे होंगे वो नहरी नहर चला है, मतलब चांसेस है कि इस रास्ते में देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए मतलब कोशिश रहेगी दिखाने की, और चलते हैं फिर आगे और देखते हैं क्या हमें आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर देखने को मिलता है। तो जो हमने इससे पहले 14 जून को साइटिंग करी थी टाइगर की, तो अभी रवि भाई ने बताया कि वो पीलीभीत का सबसे सेकंड नंबर का बड़ा टाइगर है। सफारी के रूट में सेकंड नंबर का पीलीभीत टाइगर रिजर्व का वो सबसे बड़ा मेल टाइगर है जिसकी हमने साइटिंग करी। और फर्स्ट वाला किस साइड पे है? वो पक्की पटरी पे है। पक्की पटरी जो उसके अपोजिशन में एक अपोजिट रोड जाती है। तो देखो अब उसको भी कभी ना कभी तो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो रवि भाई साइटिंग होती है उसकी मेल टाइगर की? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी साइटिंग होती है। जैसे आपको वो जैसे हाँ। तो काफी उस चल गया था वो तो चल लेकिन गया, लेकिन हाँ। ये है कि ज्यादा वो चलता भी नहीं है, साइट हाँ। हो जाता है हाँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइगर जो पक्की पटरी वाला है हाँ। वो काफी चलता, वो काफी चलता है। कितनी भी गाड़ियां हो, 8-10 गाड़ियां हो या 50 गाड़ियां लगी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। टाइगर चल रहा है आगे, फाइनली चल रहे।
गाड़ी से इतना इश्यू नहीं हो। आगे 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 क्या होगा, मैंने भाग जाएगा। यार साइडिंग तो हो गई है हमें, और अभी देखते हैं ना पार ना करेंगे ना तो फिर क्रिस्टल ज्यादा हो जाएगा, वो रोड पकड़ लीजिएगा ठीक। मत वहां को देखना मत, लेकिन हम जा रहे हैं सीधे और हम कोशिश करेंगे कि आगे पहुंच जाए। अगर टाइगर फिर चलता है तो हमें ऑन रोड देखने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बस ये है कि इस साइड में कैमरा लगा के देख रहा हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा टाइगर है। कैसे निकला यहाँ से गया भाई, ये कहीं हो सकता है। बस खतरे जी खतरे जी, कैसी रही साइटिंग? बहुत शानदार हो गई है, टाइगर दिख गया है, दिख गया है। अभी ये कि अच्छे से कैमरे में कैप्चर करना की कोशिश है, कैमरे में भी आ नहीं पाया, लेकिन डे वन पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर साइटिंग सक्सेस हो गई है। लेकिन अब ये है कि हम कोशिश करेंगे कैमरे में कैप्चर करने की। साइड में नहर को साइड ट्रैक तो भाई एक टाइगर हमने वहां देखा और दो टाइगर इस साइड भी है, कह रहे हैं दूसरी साइड पे। अब देखते हैं क्या रहता है। पहली साइडिंग तो हमें हो चुकी है सक्सेसफुल और सेकंड की बारी है, तो देखो बने रहेगा और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। देखो कहाँ है? बड़ा बड़ा पानी में चलो चलो, दो हैं बोल रहे हैं और वो लोग वहां से पानी में पीछे लो, पीछे पीछे जो पानी हलाती है वो है, हाँ पानी में ही है ना? हाँ पानी में, बस 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 कहाँ पे वो जहाँ पे जो इस तरीके से और पीछे पीछे लो कट रहे हैं, हाँ बस गाड़ी ये और ये पीछे वहीं पर होगी मत नहीं करोगे ये टाइगर
ये उधर को आ रहा है, वो ऊपर आएगा तब कुछ बढ़िया। अच्छा ये पीछे तेरा गाड़ी गाड़ी बंद कर उस साइड से मिलता ही नहीं नहीं वही बैठा वो वाइल्ड वॉर वो निकले वाइल्ड वॉर साइड से और वाइल्ड वॉर भी आ रहे उस साइड से अब मजा आएगा वो उसने देखने लगा उधर के लिए अब वो टाइगर उस साइड के लिए चला अब आप कैमरा स्टार्ट कर अब तो उठेगा वो चला उधर वाइल्ड वॉर की तरफ आगे लेगा आगे लेगा अब नहीं अभी टाइगर तैर रहा है टाइगर तैर रहा है चलेगा तो सभी दिखेगा हम थोड़ा आगे लेंगे तब चलेगा आगे को चल रहे ना चलो चलो आने कोशिश कर रहे हैं चलो 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 फोटो आ जाए आगे चलिए आगे आगे आ रहा है ऊपर आ रहा है चलते रहो आगे भागा भागा भाग गया अरे चलो 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 अटैकिंग में है और अटैकिंग में टाइगर 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 वो कर दिया किल किल कर ये भागा भागा ये दूसरा पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले आगे लो आगे लो हो जा एक मिनट एक बंद करो गाड़ी अरे तुम गाड़ी गाड़ी बंद कर दो अरे हिलो मत भैया भैया गाड़ी बंद कर बंद कर दो बंद पकड़ लिया आज खेल के पकड़ भाई पूरा खेल वाला शॉट आ गया आज फिर भी टाइगर जब का आज एक पकड़ लिया बात कहीं नहीं आएगा वो इसने किल पकड़ लिया अब लीजिएगा शॉट लेके ले अभी मत उड़ाना मलाएगा वो मरिया सब मिलने मिलने दो अरे आगे मत बढ़ा यार आगे मत बढ़ा ना तुम चिल्लाने दो ना बड़ा थोड़ी बढ़ा लो आगे अब बढ़ाने वाली की ना इसी सीध में आ जाई यार आज फाइनली हमने फर्स्ट टाइम मतलब टाइगर को हंट करते हुए देखा और अपने सामने हो रहा है भाई सारी चीजें देखो किस्मत की बात है किस्मत की बात तो है मतलब भले हम लेट आए लेकिन आज टाइमिंग अच्छा मिला अच्छा मिला और वो देखा हमने कैसे पहले पानी में बैठा था चुपचाप जब उसने क्रॉसिंग करते हुए यार मतलब बहुत तगड़ी साइटिंग थी हालांकि हमें फोटोग्राफ करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि पहले वो पानी में था और उसके बाद जस्ट स्टार्ट रनिंग जैसे ही वाइल्ड बोर आए वो
वो अंदर जाके बैठ गया, वो आराम से पहले खाएगा, उसके बाद ही पेमेंट करेगा। तो ये चीज भी हमने देखी कि जैसे उसने हंट करा, उसके बाद वो अपने शिकार को ना छुपाने के लिए ले गया काफी अंदर की तरफ, और अब वो तसल्ली से खाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि नाइट में निकले। और ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, वो वाइल्ड बोर था, तो जहाँ तक वाइल्ड बोर का साइज छोटा ही था। तो जी काफी गाड़ियाँ आई है, लेकिन ऐसा नहीं देख पाया किसी ने। हाँ, ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जो टाइगर दिख रहा था ना, सारी गाड़ी उस पार से कर रही थी, लेकिन हम जब यहाँ है ना, तब हमारी गाड़ी सिर्फ अकेले थी। भैया गाड़ी में लग गई है दवा के धूल, और ये धूल थी टाइगर की हंटिंग की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली सफारी में आप लोगों की सफारी जो थी, हाँ, सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल हो गई, तगड़ी हो गई। सबसे हमें खुशी तो इसी बात की। हाँ जी, यहाँ पे एक मगरमच्छ है, ये देखो, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तो आज की सफारी होती है यहाँ पे क्लोज। तो जी आज के हमारे साकिर जी हैं, और बहुत अच्छी साइटिंग रही आपके साथ, और बहुत अच्छा रहा जो भी चीज़ थी, और थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ड्राइव करी और बहुत चीज़ें हमें दिखाई। और बाकी यहाँ मेरी सिस्टर, तो क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी साइटिंग थी, और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे चेज़ करते हुए टाइगर को किल का चेज़ करते हुए देखा, तो चेज़ करते हुए देखा। और उससे पहले हमें मेल टाइगर दिखा था रोड पे चलते हुए, तो जब तक हम पूरा, क्योंकि ना कॉल थी ना कुछ थी, तब तक हम प्रिपेयर भी नहीं थे, और जैसे ही हमें दिखा टाइगर, हम जैसे आगे गए तो थोड़ा बहुत वीडियो बना, क्योंकि वो एकदम से दौड़ गया। मतलब जितनी वीडियो बनी है आपके साथ हम शेयर ही कर रहे हैं इस चैनल में। और बाकी रवि भाई, तो रवि भाई के साथ तो क्लोजिंग भी अच्छी हुई थी, और आज ओपनिंग भी बहुत तगड़ी हो गई है, तो मतलब काफी अच्छे साइटिंग हंटिंग करते हुए हमें देखने को मिल गया। नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा भी। तो आते रहेंगे हम लोग। और बाकी यहाँ पे हाँ जी, और बहुत बढ़िया मजे आ गए आज, इतने सही साइटिंग पहले दिन पे, मतलब एकदम हंटिंग शॉट आज देखने को मिला, और बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई। तो अब आज के ब्लॉग को करते हैं हम क्लोज, और मिलते हैं दोबारा, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनीवन, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।